हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम थाई बीएल टुगेदर द सीरीज़ के एपिसोड 4 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। टाइन और सरावत म्यूजिक शो के लीफलेट्स बांटने लगते हैं। सरावत टाइन को बाकी लीफलेट्स बांट देने को कहता है। टाइन कहता है कि वो थक गया है। सरावत कहता है कि उसने उसे उस दिन ग्रीन से बचाया था, तो क्या वो उसकी इतनी हेल्प नहीं कर सकता। टाइन कहता है कि उसने उसे ग्रीन से तो बचा दिया, पर उसके फैंस उसके पीछे पड़ गए। अगर उसके फ्रेंड्स ने ये नहीं कहा होता कि सरावत मजाक कर रहा है, तो अब तक तो उसके फ्रेंड्स उसे मार चुके होते हैं। टाइन कहता है कि आगे से सबके सामने वो ऐसा ना करे, बस ग्रीन के सामने ही करे। सरावत कहता है कि अगर वो उस दिन शाय फील कर रहा था, तो वो सीधे सीधे बता सकता है, बहाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। सरावत उसे लीफलेट्स देकर चला जाता है। टाइन को पियर मिल जाती है, तो वो उससे बातें करने लगता है। सरावत टाइन के लिए ड्रिंक लेकर आता है, पर टाइन को पियर से हंसकर बात करता देख वो ड्रिंक पीते हुए चला जाता है। सरावत टाइन को खुश देखकर पूछता है कि वो इतना खुश क्यों है। टाइन पूछता है कि वो तो प्रैक्टिस के लिए गया था, तो यहाँ कैसे आया। सरावत कहता है कि उसने लीव ली है, क्योंकि वो अपने रूम को रीडेकोरेट करने वाला है। टाइन कहता है उसने बिल्कुल सही फैसला लिया है, क्योंकि उसका रूम हॉन्टेड हाउस लगता है। सरावत टाइन को उसकी हेल्प करने को कहता है। टाइन मना कर देता है और कहता है कि वो पियर के साथ स्क्रब की सीरीज खरीदने जा रहा है। टाइन कहता है कि उसका मिशन है कि वो सबको स्क्रब का फैन बनाए, और वो पियर को भी स्क्रब का फैन बनाकर रहेगा। टाइन बाय बोलकर चला जाता है। शाम में टाइन चीयरलीडिंग प्रैक्टिस में होता है, तभी टाइन को सरावत कॉल करता है। एक सीनियर कहती है कि सरावत टाइन को कॉल कर रहा है, तो वो आके कॉल पिक कर ले जल्दी से। टाइन कॉल रिसीव कर लेता है। सरावत टाइन को कहता है कि वो आकर उसकी हेल्प करे। टाइन कहता है कि अभी वो प्रैक्टिस में ही है और उसे भूख भी लग रही है। सरावत पूछता है कि वो क्या खाना चाहता है। टाइन पूछता है कि क्या वो उसके लिए स्नैक्स ला रहा है। सरावत कहता है कि वो तो ऐसे ही पूछ रहा था। टाइन कहता है कि अगर वो उसके लिए स्नैक्स लाएगा, तो वो उसे अपनी बॉडी टच करने देगा। सरावत कॉल कट कर देता है। थोड़ी देर बाद सरावत सबके लिए स्नैक्स लेकर आता है। टाइन कहता है कि उसे नहीं पता था कि वो इतना काइंड है। सरावत कहता है कि क्या वो अब उसकी बॉडी को टच कर सकता है। टाइन कहता है कि वो तो बस मजाक कर रहा था। टाइन सरावत को कहता है कि सीनियर्स जानना चाहते हैं कि क्या उसका कोई फ़ैन है। थाईलैंड में फ़ैन का मतलब होता है लवर, यानी कि बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड दोनों हो सकते हैं वो। ये फ़ैन एक जेंडर न्यूट्रल वर्ड है, और फ़ैन की स्पेलिंग है FAEN। टाइन पूछता है कि वो उस किसी को भी इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहा है, तो क्या वो किसी में इंटरेस्टेड नहीं है। सरावत टाइन को फॉलो कर लेता है। टाइन पूछता है कि वो उसके सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहा है। सरावत कहता है कि वो उससे फ्लर्ट कर रहा है, तो किसी और में इंटरेस्टेड कैसे हो सकता है। टाइन कहता है कि वो तो उससे फेक फ्लर्ट कर रहा है। टाइन को नोटिफिकेशन आता है कि सरावत ने उसे फॉलो किया है। टाइन पूछता है कि उसने उसे फॉलो क्यों किया। सरावत कहता है कि वो उसे इसलिए फॉलो कर रहा है क्योंकि वो उसमें इंटरेस्टेड है। टाइन कहता है कि वो मजाक करना बंद करे। प्रैक्टिस ख़त्म होने के बाद टाइन सरावत को ढूंढने लगता है, तो फैंग उसे बताती है कि सरावत चला गया है और उसके लिए लेटर छोड़ के गया है। लेटर में एक की होती है, जिसमें लिखा होता है कि वो कल सुबह आकर उसकी क्लीनिंग में हेल्प करे। टाइन अगले दिन सरावत के घर जाता है, पर सरावत सो रहा होता है, और वो भी बिना कपड़ों के। टाइन सरावत को उठाता है और कहता है कि उसने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं। सरावत कहता है कि फिर तो टाइन ने सब देख लिया होगा। टाइन कहता है कि वो कुछ ज़्यादा ही बेशरम है। सरावत टाइन को सफाई करने को कहता है, तो टाइन कहता है कि वो उसकी बॉडी को टच कर ले और उसे जाने दे। सरावत टाइन के क्लोज आने लगता है, तो टाइन कहता है कि वो तो मजाक कर रहा है। टाइन सफाई करने लगता है। टाइन सरावत के स्लीपर्स देखकर कहता है कि उसने इतने पुराने स्लीपर्स क्यों रखे हुए हैं अब तक। सरावत कहता है कि ये काफ़ी कंफर्टेबल है। टाइन कहता है कि अगर उसके फैंस को पता चलेगा, तो वो लोग उसके लिए नए स्लीपर्स की लाइन लगा देंगे। सरावत कहता है कि वो दूसरों के लाए हुए स्लीपर्स नहीं पहनेगा, पर अगर वो लाएगा तो वो पहन सकता है। टाइन कहता है कि वो उसे स्लीपर्स क्यों देगा। दोनों रूम को साफ करने लगते हैं। टाइन सरावत को म्यूजिक शो में स्क्रब बैंड का एवरीथिंग सॉन्ग गाने को कहता है। सरावत कहता है कि सीनियर्स ने पहले ही सॉन्ग सिलेक्ट कर लिए हैं और वो चेंज नहीं कर सकते। टाइन के बहुत कहने पर सरावत कहता है कि वो सीनियर को कन्विंस करने की कोशिश करेगा। सरावत नए शीट्स बिछाता है, तो टाइन उस पर लेट जाता है। सरावत शीट्स चेक करने लगता है, तभी सरावत की माँ और उसका छोटा भाई फुकोंग आ जाता है, तो दोनों खड़े हो जाते हैं। सरावत अपनी माँ से पूछता है कि वो बिना बताए क्यों आ गई, तो वो कहती है कि वो उसे सरप्राइज देना चाहती थी, पर उन्हें नहीं पता था कि वो अपने फ्रेंड के साथ है।
फुकोंग कहता है कि सरावत कभी भी अपने किसी भी फ्रेंड को घर नहीं लाता है, तो फिर आज क्या हो गया? सरावत कहता है कि वो अपने रूम को रिफर्निश करने में टाइम की हेल्प ले रहा है। फुकोंग कहता है कि सरावत अचानक से रिफर्निश क्यों कर रहा है रूम को। सरावत कहता है कि उसके फ्रेंड ने कहा था कि उसका रूम काफ़ी मैसी है। ये बात सरावत को टाइन नहीं कही होती है। सरावत की माँ टाइन को कहती है कि सरावत ने कभी भी किसी को डेट नहीं किया है, तो वो उसे कुछ डेटिंग टिप्स दे। सरावत की माँ सरावत को बताती है कि फुकोंग कल उसकी यूनिवर्सिटी में होने वाले ओपन हाउस में जाएगा ताकि वो हर फैकल्टी के बारे में जान सके, तो आज वो उसी के साथ यहीं पर रुकेगा। सरावत की माँ चली जाती है। सरावत टाइन को कल फुकोंग के साथ रहने को कहता है क्योंकि कल सरावत का कॉन्सर्ट है, तो वो उसके साथ नहीं रह सकता। टाइन कहता है कि वो कल अपने फ्रेंड के साथ जाने वाला है। सरावत कहता है कि अगर टाइन उसके भाई का कल ध्यान रखेगा तो वो उसके लिए स्क्रब का सॉन्ग प्ले करेगा। टाइन मान जाता है। सरावत प्रैक्टिस के लिए चला जाता है। फुकोंग आकर टाइन से पूछता है कि वो सरावत को कब से डेट कर रहा है। टाइन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लोग सिर्फ फ्रेंड्स हैं। फुकोंग कहता है कि सरावत पहले बहुत इंट्रोवर्ट था पर अब अलग लग रहा है, यहाँ तक कि उसने तो अपनी इंस्टाग्राम अकाउंट भी क्रिएट कर ली है। टाइन कहता है कि शायद सरावत को किसी लड़की से प्यार हो गया हो। फुकोंग कहता है सरावत इन बातों में काफ़ी पीछे है, तो उसे डर है कि कहीं वो किसी गलत इंसान को ना पसंद करने लग जाए। टाइन कहता है कि सरावत अच्छा इंसान है, तो उसे अच्छे इंसान ही मिलेंगे। फुकोंग कहता है टाइन बिल्कुल वैसा ही है जैसा सरावत ने उसे बताया है। टाइन कहता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि सरावत ने उसके बारे में बात की। अगले दिन टाइन फुकोंग को लेकर यूनिवर्सिटी आ जाता है। तभी पियर, जो टाइन से मिलने वाली होती है, वो भी आ जाती है। तो पियर फुकोंग को मेडिसिन के फैकल्टी के बारे में बताने लगती है। तीनों फेस्ट में लगे फोटो बूथ में पिक्चर्स क्लिक करवाते हैं। पियर वॉशरूम जाती है तो टाइन फुकोंग को 2 घंटे के लिए अकेले घूमने को कहता है। पहले तो फुकोंग नहीं मानता है, पर टाइन जैसे ही पैसे उसे देता है तो वह चला जाता है। फुकोंग अकेले घूमने लगता है। जब लड़कियों को पता चलता है कि वो सरावत का भाई है तो सब उसके साथ पिक्चर्स लेने लगते हैं। फुकोंग घूमते घूमते कॉन्सर्ट के बैक स्टेज जाता है, तो वहाँ का एक सीनियर उसे जाने को कहता है क्योंकि ये जगह सिर्फ बैंड मेंबर्स के लिए है। तभी एक लड़का वहाँ आता है जिसका नाम मिल है। मिल कहता है कि वो फुकोंग को जानता है, तो वो इसे रहने दें। सीनियर चला जाता है। फुकोंग पूछता है कि वो उसे कब से जानने लगा। मिल कहता है कि उसे शोरगुल पसंद नहीं है, इसीलिए उसने ऐसा किया। मिल कहता है कि जब वो यहाँ पे आ ही गया है तो वो उसे मसाज दे दे। फुकोंग मिल को मसाज देने लगता है। मिल को बुला लिया जाता है तो वो फुकोंग को अपना लंच देकर चला जाता है। सरावत को नर्वस देखकर डिम कहता है कि शायद उसका कोई स्पेशल पर्सन आने वाला है, इसीलिए वो इतना नर्वस लग रहा है। डिम कहता है कि जब उसका स्पेशल वन पहली बार उसके कॉन्सर्ट में आया था तो वो भी नर्वस था। म्यूजिक शो स्टार्ट हो जाता है। सरावत भी स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए आ जाता है, तो टाइन पियर के साथ शो देखने आता है। पियर को कॉल आ जाता है तो वो चली जाती है, तो टाइन भी कॉन्सर्ट छोड़कर पियर के साथ चला जाता है और सरावत का कॉन्सर्ट नहीं देख पाता है। स्टेज पर मिल का बैंड दरिदम परफॉर्म करने आते हैं। फुकोंग उसकी परफॉर्मेंस देखने लगता है। फुकोंग को सरावत की कही बात याद आती है। सरावत को पहले से अलग देखकर फुकोंग उससे पूछता है कि क्या प्यार में पड़ने के बाद लोग इतना बदल जाते हैं। सरावत कहता है कि जब उसे कोई पसंद आएगा तो वो खुद ही जान जाएगा। फुकोंग मिल को लाइक करने लगता है। एयर ओपन हाउस में आए स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेने लगती है। एयर फुकोंग का भी इंटरव्यू लेती है। सरावत टाइन के पास आकर पूछता है कि वो उदास क्यों है। टाइन कहता है कि पियर स्क्रब का सॉन्ग लाइव सुनना चाहती थी पर उसके घर में इमरजेंसी हो गई तो उसे जाना पड़ गया। टाइन कहता है कि वो अभी पियर को छोड़कर आ रहा है। सरावत पूछता है कि क्या उसने पियर के लिए उसे स्क्रब का सॉन्ग प्ले करने को कहा था। टाइन हाँ कहता है और कहता है कि पियर कभी भी कॉन्सर्ट में नहीं गई है, तो वो उसे पहली बार कॉन्सर्ट दिखाना चाहता था। सरावत गुस्सा होकर कहता है कि उसने ही उसे फ्लर्ट करने को कहा था और अब वो किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा है। टाइन पूछता है कि वो गुस्सा क्यों हो रहा है जबकि वो उससे सिर्फ फ्लर्ट करने का नाटक कर रहा है। सरावत गुस्सा होकर जाने लगता है तो टाइन भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। एक सीनियर सरावत को फ्री फूड के लिए सेल्फी लेने को कहती है पर वो चला जाता है। टाइन सरावत को सॉरी कहता है और कहता है कि वो जो कहेगा वो मान लेगा, तो सरावत उसे फनी बनाकर उसके साथ पिक्चर क्लिक करवाता है। सरावत पिक्चर देखकर हंसने लगता है। तभी डिम भी पिक्चर क्लिक करवाने आता है पर सरावत और टाइन को देखकर वो बहाना बनाकर चला जाता है और कहता है कि वो लोग ये बात किसी को भी ना बताएं।
सरावत और टाइन ये देखकर चौंक जाते हैं। सरावत को पिक्चर देखकर स्माइल करता देख टाइन कहता है कि उसे तंग करके वो कुछ ज़्यादा ही खुश है। सरावत कहता है कि वो हर पिक्चर में पोज देने लगता है, पर इस पिक्चर में वो पोज नहीं दे रहा है, इसीलिए ये पिक्चर काफ़ी क्यूट और स्पेशल है। टाइन पूछता है कि कहीं वो उसका मजाक तो नहीं बना रहा। फुकोंग सरावत को कॉल करके कहता है कि वो अपने घर वापस आ चुका है। डिम अपने बैंड के साथ सॉन्ग प्ले करने लगता है। टाइन कहता है कि वो स्क्रब का सॉन्ग नहीं सुन पाया। सरावत कहता है कि वो खुद ही कॉन्सर्ट से भाग गया था। टाइन कहता है कि उसे पता है कि उसी की गलती है। सरावत स्क्रब का सॉन्ग प्ले करके अपने और टाइन के कानों में ईयरफोन लगाता है और स्माइल करने लगता है। और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।